हेलो एवरीवन, मैं पूनम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं कुछ विंटर कलेक्शन लाई हूँ सरोजनी से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या क्या लाई हूँ, फर्स्ट मैंने ये लिया है, ये कोट देखिए, और इसमें पॉकेट है, और ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। इसमें ये दो पॉकेट्स है, ये पूरा लॉन्ग कोट है। ये अंदर से ये इस टाइप का ब्राउन रेशमी सा कपड़ा है। ये मुझे सिर्फ 100 रुपीस में मिला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ले लिया। चलो दूसरा दिखाती हूँ मैं। नेक्स्ट है मेरा ये जैकेट, इसमें ये कैप है, बहुत सॉफ्ट है ये, और दो पॉकेट है। ये मुझे 650 में पड़ा है। इसमें ये रबड़ है, पूरा मतलब हैंड्स को पूरा यहाँ तक कवर करता है, पूरा अच्छे से कवर करता है ये। इसमें ये बेल्ट है, बेल्ट इसमें बेल्ट ऐड है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत अमेजिंग है। इसमें तीन कलर थे, ब्लैक था, एक ये था, और एक कलर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ अलग सा ही कलर था, अच्छा सा था वो भी, बट मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये वाला ले लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये। चलिए मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको कि मैं नेक्स्ट क्या लाई। नेक्स्ट मैं ये लाई पोचो। ये है पोचो, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये। मैंने शॉप पे सरोजनी में टंगा हुआ देखा था तो मुझे पसंद आ गया। बहुत सॉफ्ट है ये, देखिए इस तरह का है ये। इसको बहुत सॉफ्ट है ये, मुझे ये 350 में मिला। और इसमें भी थ्री कलर्स थे, ग्रे था, एक ब्लैक था, और एक ये था। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये इस टाइप में नेक है, इसमें बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट मैंने ये जैकेट लिया, ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था मीशो पे, तो वो विंटर्स के नहीं थे, वो समर्स का कोई जैकेट टाइप थे, तो मेरे को तो विंटर्स में चाहिए था तो मैंने विंटर्स का लिया। फिर पीछे न्यूयॉर्क लिखा है। इसमें इसमें बटन है, इसमें चेन नहीं है, इसमें बटन है। ये मुझे पड़ा 500 का, जो हमने ये बहुत सारी शॉप से मतलब एक शॉप पे जाके 3-4 हमने जैकेट लिए थे उनसे, बाकी हमने ये वाला लिया था और 2-3 हमने दूसरी शॉप पे लिए थे, ये हमने इसी शॉप से लिया था। इसमें भी दो कलर थे, ग्रीन था और एक ये था, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये वाला। चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट मुझे ये वाला मिला सेल में, ये मुझे सेल में मिला। ये रानी पिंक कलर है, देखिए इसकी चेन थोड़ी सी हार्ड है। हाँ ठीक है, अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है। इसमें ये बटन्स लग रहे हैं, दो पॉकेट्स है, इसमें ये बड़ी कैप है, इसमें
मुझे बड़ी कैप के स्वेटर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे जिनमें बड़े बड़े कैप्स होते हैं। और ये हापू, इसको हाथ लगा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है ये। ये मुझे 350 में मिला सेल में, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इसमें इसमें तीन कलर थे ऐसे में ही, जो एक पिंक था, एक ग्रे था और एक और था। ग्रे वाला भी अच्छा था, बट ग्रे वाले में कुछ दाग लग रहा था तो मैंने वो नहीं लिया, फिर मैंने ये लिया। बाकी ये भी बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा है। और ये लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। बाकी बहुत प्यारा लगा मुझे, 350 में रिजनेबल रेट है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, नेक्स्ट मैं ये दो 100 100 रुपीज की मैं ये दो लेके आई, ये दो बेल्ट लेके आई मैं 100 100 रुपीस की है ये, देखिए। ये देखिए, ये दोनों 100 100 रुपीस की बेल्ट है। और मैं कुछ सैंडल्स भी लेके आई हूँ, जूते लाई हूँ मैं, ये जूते लाई हूँ। ये मुझे शूज 350 में मिले हैं, कितने प्यारे हैं ये। इसमें डोरी है और ये देखो छोटे छोटे से छेद हो रहे हैं इसमें, बहुत प्यारे थे। ऐसे ही सेम मैं जूते अपनी बहन के लिए भी लाई हूँ, सेम पैटर्न है और कलर अलग अलग है। तो आप मुझे बताना इसमें से कौन सा कलर अच्छा लगा। ये दोनों मुझे 350 350 में मिले हैं। ये चप्पल लाई हूँ, स्लीपर। ये स्लीपर मुझे पड़ी थी 150 रुपये में, जो मैंने चांदनी चौक से ली थी। चांदनी, ये मैं दिवाली के आसपास गई थी जब मैंने स्लीपर्स ली थी, जो मुझे 150 में पड़ी थी। अभी तो उधर कलेक्शन शूज़ का ही है, ये मैंने उसी टाइम पर जब मैं वहाँ गई थी दिवाली, ये मैंने 350 की ली थी। ये भी बहुत प्यारी सैंडल है, देखिए ये हील है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी हील है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी इसका। नेक्स्ट मैं लाई थी ये बेली, ये मुझे 250 में पड़ी थी ये बेली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। इसमें भी दो कलर थे जो मैं लाई, ये वाला मुझे अच्छा लगा तो मैं ये, एक कलर शायद ग्रीन था उस टाइम के, मेरे को बात याद भी नहीं है। एक कलर ग्रीन था और एक बाकी मुझे मैरून अच्छा लगा तो मैंने ये। नेक्स्ट मैं ये पर्स लाई मेरे लिए, ये पर्स मुझे 100 रुपीस में मिला, सिर्फ 100 रुपीस में मिला। इसमें एक और पर्स है, ये भी इसमें भी काफ़ी स्पेस है छोटे पर्स में। इसमें भी काफ़ी स्पेस है और ये बड़े पर्स में भी काफ़ी स्पेस है, मुझे अच्छा लगा। एक मैं ये विंटर्स की कैप लाई, ये भी मुझे 200 की बताई थी उन्होंने तो 100 में दे दी। देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा है और एकदम शाइनिंग जैसा है। मैं लगा के भी दिखाती हूँ आपको, नेक्स्ट मैं कुछ ज्वेलरी लाई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं झुमके लाई हूँ, देखिए ये मुझे 100 रुपीस में दिए हैं भैया ने, सॉरी आपको दिखने रहा, 100 रुपीस में दिए हैं। और एक और झुमके लाई हूँ, वो भी भैया ने 100 रुपीस में दिए हैं। नहीं, आई थिंक मैं 3 झुमके लाई हूँ, सारे 100 100 रुपीस में हैं।
ये भी देखिए, इसमें त्रिशूल बन रहा है, देखो ये भी मुझे 100 रुपीस में मिले हैं। और लाई हूँ मैं, एक और झुमकी लाई हूँ, एक ये मैं 60 रुपीस में मुझे दिए हैं भैया ने, ये भी बहुत प्यारे इयररिंग है। और ये देखिए, ये भी मुझे 60 रुपीज़ में, ये हमने एक ही शॉप से परचेज किए हैं सारे। नहीं, आई थिंक झुमके हमने दूसरी शॉप से लिए हैं, ये वाले और इससे पहले जो दिखाए वो वाले हमने एक ही शॉप से लिए हैं। ये भी मुझे 60 रुपीज़ में दिए उन्होंने, एंड ये वाले भी 60 रुपीज़ में ही दिए हैं, ये तीनों हमको 60 रुपीज़ में दिए हैं। प्यारे, इसमें सिल्वर कलर मैंने बोला था, बट सिल्वर कलर उनके पास था नहीं तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने उनसे गोल्डन कलर ले लिया। ये मैंने 50 रुपीस में लिए, ये मैंने मेट्रो के बाहर एक भैया बैठे थे उनसे लिए, ये वाली मोतियों की माला मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ले ली, 50 रुपीस में लिए ये मैंने। ये एक झुमके और लिए वाइट कलर के, देखिए प्यारे लग रहे हैं, ये भी 100 रुपीस के हैं। और ये हमने 30-30 रुपए के थे ये वाले, ये हमने 30-30 रुपए के दो लिए, एक ये लिए और एक ये वाले लिए। एक इसका पेयर दिखा देती हूँ मैं इसमें, एक ये वाले लिए, ये लिए 30 रुपीस में और एक ये 30 रुपीस में, ये दो 30-30 के हैं, बाकी कोई 100 के हैं कोई 60 के हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सरोजनी से कम प्राइस में जो मेकअप प्रोडक्ट वो लिए, मैंने ये कॉम लिया है 50 रुपीस का, 50 रुपीस में लिया है मैंने ये। एक मैंने ये टिशू लिया 50 रुपीस में, अच्छा लगा, तो मैं ये टिशू लिया। इसमें कितने वाइप्स है, 25 वाइप्स है इसमें। और मैंने ये एक पैलेट लिया है, ग्लिटर पैलेट, ये उन्होंने 250 की बताई थी, 200 में ही दे दी ये वाली पैलेट। और एक और पैलेट लाई हूँ मैं, ये ग्लिटर पैलेट है, एक मैं मैट और ग्लिटर दोनों ही है, एक मैं ये वाली पैलेट लाई हूँ, ये भी मुझे 250 में, वही 250 की बताई थी तो 150 रुपये में दे दी थी भैया ने। पिगमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से पिगमेंट अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा पिगमेंट है ये ग्लिटर वाली। ये भी मुझे 250 की 200 में दिए भैया ने। और ये मैं कुछ ये नेल पेंट लाई हूँ, ये मुझे 50-50 रुपीस में मिली है, ये प्यार बहुत प्यारा कलर लग रहा था मुझे, ये 50-50 रुपीस में दिए भैया ने। एंड ये मैं कुछ रबड़ भी लाई हूँ उधर से, रबड़ एक ये रबड़ लाई हूँ मुझे, जो टेन में दो मिले थे जो एक मेरी सिस्टर ले गई, और ये भी 4 लिए थे जो एक मेरी सिस्टर ले गई, ये भी मुझे 10-10 रुपीस में दोनों मिले हैं। और मैं कुछ क्लचर भी लाई हूँ, वो भी 10-10 रुपीस में है, देखिए ये भी सारे 10-10 रुपीस में है। एक में ये निविया की शाइन चेरी लोज है, ये लाई हूँ, ये भी मुझे 50 रुपीस में मिली है, 50 रुपीस में दी है भैया ने। एक में ये हाइलाइटर लाई हूँ, वो बहुत अच्छा है, इसकी प्राइस 150 रुपये, मतलब 200 की बताई थी भैया ने, मुझे 150 रुपये में दे दिया था। इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। एक ये भी 10 रुपीस का दिया है, देखिए
₹10 का है एंड मेरा सामान ख़त्म होने वाला है। ये भैया ने मुझे ₹50 में दिए। ये देखिए मैंने ये कलर लगा भी रखा है, देखिए ऐसे यही वाला कलर है। ये मुझे ₹50 में दिए। ओके गाइस, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया जो भी मैं सरोजनी से लाई। तो और आप मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको क्या लगा मेरा जो भी विंटर का इयररिंग जो भी मेकअप में क्या अच्छा लगा आपको, और मुझे रेड हार्ट दीजिए और बाय।